प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस के साथ ग्रैमी अवार्ड्स 2020 जो है उसका हिस्सा बनने पहुंची थी। आपको बताते चले कि प्रियंका चोपड़ा चाहे वेस्टर्न अटायर में हो या फिर इंडियन अटायर में, देसी गर्ल का जो भी लुक होता है वो उनके फैंस को काफी ज्यादा लुभाता है। अक्सर ये भी देखा गया है कि प्रियंका चोपड़ा अपने ड्रेसिंग सेंस की वजह से हमेशा जो है सुर्खियों में बनी रहती हैं। वहीं ग्रैमी अवार्ड्स में शिरकत करने पहुंची प्रियंका चोपड़ा को उनके ड्रेस की वजह से काफी ज्यादा ट्रॉल किया जा रहा है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि कई इंटरनेशनल फैशन आइकन्स को उनका ये ड्रेसिंग स्टाइल काफी पसंद भी आया था, लेकिन वहीं एक इंडियन फैशन डिजाइनर ने प्रियंका चोपड़ा के उनके इस ड्रेस का काफी मजाक उड़ाया है, जिसके वजह से अब इस इंडियन फैशन डिजाइनर को ट्रॉल किया जा रहा है। बस यही नहीं, प्रियंका चोपड़ा के उनके ड्रेस के लिए भी उन्हें काफी ज्यादा ट्रॉल किया जा रहा है। तो आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं कि आखिरकार किन कारणों की वजह से प्रियंका चोपड़ा के साथ साथ इस इंडियन फैशन डिजाइनर को भी ट्रॉल किया जा रहा है। फैशन डिजाइनर वेंडल रॉड्रिक्स ने प्रियंका के इस नेकलाइन की लंबाई का मजाक बनाते हुए इसे लॉस एंजलिस से क्यूबा तक कहा था। उनके इस कमेंट के बाद कई लोगों ने वेंडल रॉड्रिक्स को ट्रॉल भी किया, जिसके बाद फिर से इस फैशन डिजाइनर ने अपने कमेंट के बारे में फिर से रिप्लाई किया है। कई लोगों ने रॉड्रिक्स को प्रियंका की बॉडी शेमिंग के लिए ट्रॉल किया है। दरअसल आपको बताते चले कि प्रियंका चोपड़ा निक के साथ ग्रैमी 2020 के रेड कार्पेट पर फैशन डिजाइनर रॉल्फ एंड रूशो की डिजाइनर ड्रेस में एंट्री की। आपको बता दें कि इस ड्रेस यानी एवरी वाइट गाउन की हाउ लाइट था, इसका एक्स्ट्रा लॉन्ग नेक लाइन काफी रिवीलिंग था और इसी के बाद लोगों ने प्रियंका को ट्रॉल करना शुरू कर दिया। इसके बाद ही अब इस फैशन डिजाइनर ने बताया है कि कैसे वो अपने कमेंट में बॉडी शेमिंग नहीं बल्कि ड्रेस शेमिंग कर रहे थे। वेंडल रॉड्रिक्स ने लिखा, जो भी लोग ये कह रहे हैं कि मैंने बॉडी शेमिंग की है उनके लिए ये मेरा जवाब है। क्या मैंने कुछ भी उसके शरीर के बारे में कहा? नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये ड्रेस उनके लिए सही नहीं था। साथ ही डिजाइनर ने लिखा कि जबकि ये एक डिजाइनर ड्रेस था, सिर्फ आरोप ना लगाएं, पहले मेरा पोस्ट पढ़े। उन्होंने आगे लिखा, कुछ कपड़े पहनने की एक एज होती है, मोटे पेट वाले लोगों को टाइट टी शर्ट नहीं पहननी चाहिए, वैसे ही एक एज के बाद महिलाओं को मिनी ड्रेस नहीं पहननी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो उसे ना दिखाए, हर मुद्दे को बॉडी शेमिंग ना बनाए, ऐसा डिजाइनर ने लिखा। हालांकि कई यूजर्स को रॉड्रिक्स का ये तर्क और उनका पहला का क्रिटिज्म अच्छा नहीं लगा। कई लोगों ने उनके इस पोस्ट पर भी उन्हें कमेंट किए। याद दिला दें कि ये पहला मौका नहीं है कि प्रियंका अपनी ड्रेस को लेकर ट्रॉल हुई हैं। इससे पहले भी वो कई बार अपने ड्रेसेस को लेकर ट्रॉल होती रही हैं।